हे गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। हे गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा, इस तरह का कलर ग्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, वीडियो के अंदर कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो वीडियो का। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। जो आप इस तरफ देख रहे होगे ये ओरिजिनल वीडियो, ठीक है, इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं कर रखा है, ठीक है, इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग कर नहीं रखा है। और इस तरफ देख सकते हैं, इसमें मैंने इसी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर रखा है इस तरफ, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं ये वीडियो किस प्रकार से कितनी मस्त इफेक्ट दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह का आप कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो वीडियो के अंदर और कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में यही बताने वाला कैसे कलर ग्रेडिंग करना है वीडियो के अंदर, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको इस तरह की कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ओनली फॉर काइनमास्टर एप्लीकेशन। अगर मेरे वाला काइनमास्टर एप्लीकेशन चाहिए जो लेटेस्ट वर्जन है, तो इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से आप मेरा काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में। उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस करो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में, वीडियो को बताते हैं कैसे कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आगे अपन काइनमास्टर एप्लीकेशन में जो अभी ट्रेंडिंग कलर ग्रेडिंग करना सिखाने वाला हूं, जो अभी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में अंदर आपको कैसे कलर ग्रेडिंग किया जाता है, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है कलर ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद में करेक्ट न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपर्ट रिश्यू है, आपको दो एक्सपर्ट रिश्यू में आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, उसके बाद में 9x16 वाला रिश्यू ले लूँगा, अभी 16x9 वाला रिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से एक वीडियो ले लेना, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से एक वीडियो ले लेना जो भी आपको जिसमें भी आपको कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये डॉग वाला वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से, और आप देख सकते हो इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं है। एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, तो इसमें आप कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं कर रखी, ठीक है। अब इसमें कलर ग्रेडिंग करना बताने वाला हूँ कैसे करना कलर ग्रेडिंग। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आ जाना है इस वीडियो की, ठीक है। उसके बाद में आपको लेयर पर क्लिक करना और यहाँ से इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद में इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना, ठीक है। तो इस बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ये स्टोर ओपन हो जाएगा, जो इफेक्ट वाला स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ऊपर से आपको तीसरे नंबर वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है, जो कलर वाला, ठीक है, ब्लर के जस्ट नीचे कलर पे क्लिक करना है। कलर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरे कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे देखिए कलर वाले इफेक्ट ओपन हो चुके। ओपन होने के बाद में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कलर चेंजर, ठीक है। तो कलर चेंजर वाले पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कलर चेंजर, ठीक है। जैसे कलर पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे, तो आपको ढूंढना है कलर चेंजर, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब मैं बैक चला जाता हूँ। अब इसमें इफेक्ट लगाने के लिए फिर से आप देखिए इस वीडियो के फर्स्ट में आ जाना, इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद में आपको फर्स्ट में आ जाना है इस वीडियो के, और लेयर पे क्लिक करना और इफेक्ट पे क्लिक करना और ये वाला जो कलर चेंजर वाला इफेक्ट इसको ले लेना, ठीक है, और यहाँ से ओके करना। ओके करने के बाद में अभी देखिए फुल स्क्रीन नहीं है, तो फुल स्क्रीन करना ताकि आपको पूरी स्क्रीन के अंदर कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फुल स्क्रीन कर देना, फुल स्क्रीन करने के बाद में यहाँ से ओके कर देना। अब ओके करने के बाद में जो आपने कलर चेंजर वाला इफेक्ट लिया उसकी लंबाई बढ़ा देनी आपके वीडियो के एंड तक, ठीक है। बढ़ाने के बाद में यहाँ से ओके करना है, ओके करने के बाद स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद जो आपने अभी कलर चेंजर वाला जो लेयर लिया था इफेक्ट उस पर क्लिक करना और सेटिंग पे क्लिक करना, और ये जो आप ऊपर ऊपर कलर आ रहा है जो रेड कलर है इस कलर पे क्लिक करना और यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा देखिए जो नीचे कलर ऑफ सेट है ना, ऑफ सेट कलर ऑफ सेट, इसको आपको 75 कर देना, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ से 75 कर देता हूँ, आपको भी 75 ही करना, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ से कम कर देना, ठीक है, 75 कर दिए। 75 करने के बाद में आपको नीचे आना है, नीचे यू को आप जैसे ही कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग होने लग जाएगा। जो आप जो बैकग्राउंड देख रहे हो घास वगैरह जो है, जो इसका बैकग्राउंड चेंज होने लग जाएगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ, जो यू अभी 0 है, तो इसको इस प्रकार से करोगे तो देखिए आपका कलर एकदम चेंजिंग हो रहा है। आप खुद देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हो रहा है। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो रख सकते हो।
तो देखिएगा मेरे को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो ये वाला कलर रख देता हूँ मैं। अब आपका वीडियो को देखिए, चला के देखते हैं, तो आपका वीडियो देखिए कुछ इस प्रकार से कम्प्लीटली बन चुका है। अब आप खुद देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हुआ है। अभी इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ, तो पहले कुछ इस प्रकार का था, देख सकते हो आप खुद। अब आप खुद देख सकते हो कुछ इस प्रकार का वीडियो था आपका पहले, और अब आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिएगा आपका वीडियो किस प्रकार से बन चुका है, तो अब आप खुद देख सकते हो आपका कलर ग्रेडिंग कितना मस्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको सेकंड एप जो रिशु के अंदर सिखाता हूँ। तो फिर से मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन को बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद करेक्ट न्यू पे क्लिक करना, फिर से एक्सपेड रिशु आपको इस बार 9/16 वाला ले लेना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक वीडियो ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस पे कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से ये वाली वीडियो ले लेता हूँ एक, और यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, और सेकंड यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ओके करता हूँ। तो मैंने दो वीडियो ले ली, दोनों में एक साथ कलर ग्रेडिंग करके बताने वाला। फिर यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, अभी इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं है। और एक बार इसमें साउंड भी सुना के दिखाता हूँ कितना मस्त साउंड है, जो अभी इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। इस पर आप इस प्रकार से कलर ग्रेडिंग करके आप अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे लाइक और फॉलोवर आएंगे। तो एक बार आपको साउंड के साथ मैं चला के दिखाता हूँ वीडियो किस प्रकार से। ठीक है, सो ओके गाइस, आप खुद ने देख लिया, इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं करी है। आप खुद देख सकते हो इसके पेड़ पौधे एकदम जो है, अभी फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ तो देख सकते हो आप खुद देख सकते हो आप, इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं है। अभी कलर ग्रेडिंग करके बताने वाले, देखिए ये वाले भी देख सकते हो, ये वाले भी दिखाता हूँ, तो इसमें भी कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है। दोनों वीडियो मैंने कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं करी। कलर ग्रेडिंग करने के लिए अब देखिए मैं वापस क्या करता हूँ, अब लेयर पे क्लिक करना है कलर ग्रेडिंग करने के लिए, और वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद में लेयर पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है, और आपको बता दियो कलर चेंजिंग, यह जो इफेक्ट में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इफेक्ट आ जाएंगे जो। तो देखिए अब आपको इफेक्ट, अब ये वाला कलर, ये कलर चेंजर है ना, ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड आप मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में कलर वाले पे क्लिक करना है और नीचे जाना है, नीचे कलर चेंजर एक ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा। ठीक है, मैं बैक जाके इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से कलर चेंजर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में देखिए अभी ये फुल स्क्रीन नहीं है, तो इसको आप इस प्रकार से इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के बाद इसकी जो लंबाई है उसको पूरा वीडियो के एंड तक बढ़ा देना। इस प्रकार से जो कलर चेंजर जो इफेक्ट लिया था ना, इसकी लंबाई आपको वीडियो के एंड तक बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ाने के बाद में यहाँ से अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें सेटिंग करना है। ठीक है, जो कलर चेंजर जो इफेक्ट लिया इस पर क्लिक करना और सेटिंग में आ जाना। ठीक है, इसके जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से सेटिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सेटिंग पे क्लिक करना है, और जो यहाँ पे कलर है ना, कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना, हरा कलर सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लेना। ओके करने के बाद में देखिए जो अभी ये कलर ऑफ सेट है ना, इसको आपको 75 रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 75 कर देना है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ से 75 कर देता हूँ, ये 75। ठीक है, अब आपको जैसे जैसे अभी देखिए नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ यू, अब यू को आप जैसे जैसे कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे कलर चेंजिंग होने लग जाए। तो इसको पहले फुल स्क्रीन करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो अभी ये पेड़ देख रहे हो एकदम ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, जो बैकग्राउंड आप देख सकते हो एकदम ग्रीन है। अब यू को मैं कम ज़्यादा करता हूँ, तो देखिएगा मैं ज़्यादा करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हो रहा है। तो आप खुद देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हो रहा है, देख सकते हो आप खुद। तो इस प्रकार से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, आपको जो भी कलर अच्छा लगे उस कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा मेरे को कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा, उस कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा मैं कौन सा कलर रखता हूँ यार, तो ये वाला कलर रख देते हैं जो थोड़ा रेड है। ठीक है, और अब आपको चला के दिखाते हैं, ये वीडियो कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब आपका कलर ग्रेडिंग देखिए कितना मस्त हुआ है, आप खुद देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हो चुका है। जो आप पीछे जो बैकग्राउंड आप देख सकते हो, पेड़ पौधे एकदम अलग कलर में हो चुके, जो रेड कलर के अंदर आप देख सकते हो पीछे। ठीक है, अब आपको देखिए सेकंड वाला वीडियो भी आ रहा है पीछे। ठीक है, अब सेकंड वाला वीडियो ये रहा, अब ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, इसमें भी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। अब सेकंड वाला वीडियो का आप जो आप पहले का दिखाता हूँ,
जो पहले कुछ इस प्रकार का था ये, तो देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो पहले कुछ इस प्रकार का ग्रीन कलर था, सेकंड वाले वीडियो पे आपको देखिए, जो सेकंड वाले वीडियो आपको जो बैकग्राउंड आप देख सकते हो कितने पेड़ पौधे, ये एकदम ग्रीन ग्रीन है अब। और इसके बाद में चेंज करने के बाद में आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा कलर ग्रेडिंग हो चुका है, जो सेकंड वाले वीडियो में भी देख सकते हो। अब आपको साउंड के साथ में एक बार चला के दिखाता हूँ मेरा वीडियो किस प्रकार से बना है, देख कलर ग्रेडिंग होने के बाद में। तो देखिए मैं एक बार माइक हटा के आपको साउंड के साथ में चला के दिखाता हूँ तो किस प्रकार से बना है। सो कलर ग्रेडिंग हुआ है। अब आपको इसको अब मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका, अभी इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला एरो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी रिजोल्यूशन रखना चाहे तो रख दीजिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1080 और यहाँ से 60 रख के यहाँ से सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले इसको सेव कर लेता हूँ, फिर आपको एक बार चला के दिखाने वाला हूँ तो मेरा वीडियो किस प्रकार से बना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट इसको पहले सेव कर लेता हूँ, यहाँ से सेव पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो सेव होने लग जाएगा। मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ से मैं क्लिक करके पर आपको चला के दिखाता हूँ तो वीडियो किस प्रकार से बना देगीगा। तो आप खुद देख सकते हो कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हो चुका है, देख सकते हो आप कितना बढ़िया से, अब ये जो ग्रीन ग्रीन था पहले और अब आप देख सकते हो एकदम रेड कलर के हो चुके, जो आपका बैकग्राउंड आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो अब सेकंड वाली वीडियो भी आप देखिएगा, सेकंड वाला वीडियो भी आने वाला है तो आप सेकंड वाला वीडियो देखते देखिए कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हो चुका है। आपको पेड़ पौधे जो बैकग्राउंड देख सकते हो आपको वीडियो का कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। जो अब डॉग वाला भी आपको चला के दिखाने वाला हूँ, जो अभी मैंने फुल स्क्रीन बनाया डॉग वाला, जो वो डॉग वाला तो इसका भी कलर ग्रेडिंग किया है, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो पहले एक्सपोर्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ पहले, तो ये वाला डॉग वाला है, अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। इस वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो जो भी रिजोल्यूशन रखना चाहे तो रख दीजिए और सेव पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपके गैलरी के अंदर सेव होने लग जाएगा। तो देखिए सेव हो रहा है, सेव होने के बाद मैं एक बार आपको इसको भी चला के दिखाता हूँ तो किस प्रकार से देखिए कलर ग्रेडिंग हुआ है। तो देखिए ये डॉग वाला आप देख सकते हो, अब इसको चला के दिखाता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप कितना मस्त कलर ग्रेडिंग हुआ है। आप खुद देख सकते हो जो बैकग्राउंड एकदम जो पिंक जो गुलाबी कलर के जो रेड कलर के हो चुके, ठीक है। इस प्रकार से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सो ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस नहीं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कैसे कलर ग्रेडिंग की जाती है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके लिए मैंने अलग से एकदम सोल्यूशन बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।